वाव, मंदिर का जो मेन हिस्सा है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वो पूरा सोने से बना हुआ है। इट इज सो 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 ब्यूटिफुल। द एग्जैक्ट आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन, एवरी थिंग हैज़ बीन क्रिएटेड इन गोल्ड, प्योर गोल्ड। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने देश भर से भक्त अक्सर ज्योतिर्लिंगास के दर्शन करने तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। एंड एज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, आई एम ऑल्सो एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टू सम ऑफ द आइकॉनिक ज्योतिर्लिंगा टेम्पल्स स्कैटर्ड अक्रॉस इंडिया। ओरिजिनली देयर आर 64 ज्योतिर्लिंगास, पर ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगास खुद प्रकट हुए थे एंड वर नॉट कार्व्ड और द रिजल्ट ऑफ एनी ह्यूमन क्रिएशन। I am visiting 6 of these Jyotirlingas and each temple has something different to offer to its devotees. Let's take a look. आज मैं जहाँ आई हूँ वो देश का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंगा है। Welcome to Somnath Dham in Gujarat. कई बार तोड़ा गया, 17 बार टू बी प्रिसाइज, बट 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रीबिल्ड किया और इसीलिए उनका स्टैच्यू आज भी यहाँ है। सोमनाथ धाम का बेस्ट पार्ट है इसका लोकेशन, एक तरफ है मंदिर, दूसरी तरफ है अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द ओशन। सोमनाथ जूनागढ़ से सिर्फ 2 घंटे दूर है और राजकोट यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है। वाओ, मंदिर का जो मेन हिस्सा है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वो पूरा सोने से बना हुआ है। इट इज सो 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 ब्यूटिफुल। द एग्जैक्ट आर्किटेक्चर, द डिजाइन, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड इन गोल्ड, प्योर गोल्ड। जय सोमनाथ। अब चलते हैं वाराणसी की ओर, क्योंकि यहाँ है दी ऑल न्यू रेनोवेटेड द काशी विश्वनाथ धाम। इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वेलकम टू काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर साल 70 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। माना जाता है कि लॉर्ड शिवा खुद आकर काशी में रहे थे और उन्हीं के लिए यहां पे मंदिर भी बनाया गया था। पुराने जमाने में माना जाता था कि गंगा स्नान के बाद हर कोई काशी विश्वनाथ धाम जाकर अपना माथा टेके, पर कई सारे बिल्डिंग घर बनने के बाद ये मुमकिन नहीं था। यही वो कॉरिडोर है जो सीधा गंगा से कनेक्टेड है एंड गंगा स्नान के बाद भक्त सीधा यहाँ आकर काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। आप वाराणसी आए, मेक श्योर दैट यू विजिट द काशी विश्वनाथ मंदिर, बिकॉज इट्स ट्रूली एंड ट्रूली वर्थ योर विजिट। चलते हैं उस ज्योतिर्लिंगा की तरफ जो 1200 साल पुराना है और 11,700 फीट की ऊंचाई पर। ये
इंडिया के सबसे अहम ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में आप सभी का स्वागत है। This temple is so beautiful, बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ एंड विद मंदाकिनी रिवर फ्लोइंग राइट इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने इतना खूबसूरत नजारा शायद ही कभी देखा हो। केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए खुला रहता है, दैट इज फ्रॉम मई टू अक्टूबर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू बिफोर यू गेट हियर इज टू रजिस्टर ऑन द टूरिस्ट केयर उत्तराखंड वेबसाइट। आप टेंपल तक व्हीकल पर नहीं जा सकते, लेकिन केदारनाथ टेंपल तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। यू कैन ट्रैक अप टू 16 किलोमीटर विच टेक 7 to 8 hours, या तो फिर आप हॉर्स या पोनी या पालकी हायर कर सकते हो जो आपको पहले ही बुक करनी पड़ेगी। एंड द थर्ड इज द फास्टेस्ट वे, दैट इज टेकिंग अ हेलीकॉप्टर। यहाँ हाल ही में ही आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू लॉन्च किया गया था बाय आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा की ओर, विच इज लोकेटेड एट त्रिंबक टाउन ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट। इस ज्योतिर्लिंगा की खासियत है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता इस मंदिर में विराजे हैं। मंदिर के अंदर 3 छोटे ज्योतिर्लिंग है जिसे त्रिद्यम कहा जाता है। ये जगह की एक और खासियत है कि नासिक त्रिंबकेश्वर में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। द त्रिंबकेश्वर टेम्पल इज अप्रोक्सीमेटली 28 किलोमीटर फ्रॉम नासिक सिटी एंड इज वेल सर्व्ड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब चलते हैं उस ज्योतिर्लिंगा की ओर विच इज बिलीव टू बी स्वयंभू, विच इज सेल्फ मैनिफेस्टेड। वी आर हियर एट महाकालेश्वर टेम्पल जो मध्य प्रदेश की हिस्टोरिक सिटी उज्जैन में है। महाकालेश्वर आइडल को दक्षिण मुखी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की शिवलिंग साउथ फेसिंग है। द इंटीरियर आर्किटेक्चर ऑफ दिस 5-story टेम्पल इज ग्रैंड एंड डिलाइटफुल। ये टेम्पल इंदौर सिटी से वेल कनेक्टेड है, आप यहाँ रोड या ट्रेन से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। Lastly on our trip to the 6 iconic Jyotirlingas, we move towards India's southernmost Jyotirlinga, that is Ramanatha Swami Temple in Rameshwaram. Rameshwaram is well connected by air, train and road. Well, अब तक तो मैंने यही 6 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन किए हैं, पर अब और 6 के दर्शन करना बाकी है। In addition to providing spiritual blessings, these ज्योतिर्लिंगास are breathtakingly beautiful and serene. माना जाता है कि भोलेनाथ इन ज्योतिर्लिंगों में निवास करते हैं और इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आपके भी मंदिर के दर्शन हो गए, पर खुद आना मत भूलिएगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी काम्या जानी, एंड रिमेम्बर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कर्ली टेक।